हाय दोस्तों, सब लोग कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम देखते हैं हमारे वीडियो के क्रम में, पढ़ते हुए क्रम में मैंने आज SGOT के बारे में बताना शुरू किया है। ठीक है, इसके पहले मेरे वीडियो बने हैं SGPT पर बना है, LFT टेस्ट पर बना है, बिलरुबिन पर बना है। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उन पर जाकर देख लेना और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा लीवर के बारे में। ठीक है, और लीवर से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं जो LFT टेस्ट कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है इन टेस्ट की वजह से, वो मैंने बता रखा है। ओके, उनको देख लेना। अब आगे इसमें वीडियो में देखते हैं SGOT का जो फुल फॉर्म होता है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सलोएस्टिक ट्रांसएमिनेज होता है, या इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। ठीक है, AST बोला जाता है, ये इसका दूसरा नाम होता है। एक्चुअली ये क्या होता है, एक तरीके का एंजाइम होता है। AGOT जो है इज एन एंजाइम विच मेनली फाउंड इन लीवर एंड फाउंड इन लीवर इट हेल्प टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब ये क्या होता है, एक तरीके का एंजाइम होता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, लीवर में, और लीवर में ही बनता है। ठीक है, लीवर में ही बनता है और लीवर में ही पाया जाता है। और भी हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि किडनी होती है, हार्ट होता है, स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल जैसे हड्डियाँ होती हैं, और कुछ टिश्यूज होते हैं, वहाँ पर भी पाया जाता है ये। तो ये क्या काम करता है, प्रोटीन बनाता है। अब ये अगर बढ़ जाता है इसका ब्लड में लेवल, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो है ना लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आया। लीवर में ही नहीं, और भी मतलब पता चलेगा कि और कहीं दिक्कत है। इस टेस्ट की वजह से हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि हमारा लीवर ही डैमेज है, लीवर ख़राब है, लीवर कितने मात्रा में ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो ये नहीं डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन इसके एक वजह से हम बहुत सारे जैसे किडनी है और हार्ट भी है, स्केलेटल मसल है, उसको पता कर सकते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम SGOT बढ़ा हुआ हमारे ब्लड में? तो देखो, मैं इसको बताता हूँ। इसके जो नॉर्मल रेंज होती है, ये हमें पता चलता है 0.45 तक होती है, 0 से लेकर के 45 तक होती है। आयु पर लीटर होती है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, तो ये जो 0 से लेकर 45 तक की इसकी नॉर्मल रेंज होती है, अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता चलेगा हमें, ऐसे नहीं पता चलेगा। लेकिन हमें कब कराना चाहिए टेस्ट, कब हमें पता कैसे करें, है ना? इसके लिए मैंने यहाँ पर बता रखा है हाउ टू डायग्नोस SGOT। तो इसके सिम्टम्स या लक्षण जो होते हैं मैंने बता रखा है, जैसे कि सब एक तो देखो, ये जो मैंने बता रखा है ये कॉमन है यार, चाहे आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो, लीवर इन्फेक्शन हो, या फिर स्प्लीन में इन्फेक्शन हो, ब्रेन में इन्फेक्शन हो, या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो, या फिर कहीं पर भी XYZ मतलब आपको दिक्कत हो रही होती है, तो मेनली सबसे ज़्यादा यही हमको देखने को मिलता है। या तो फीवर भी, अगर कॉमनली फीवर भी आता है तब भी यही हमको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, है ना? बस ये है कि थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ज़्यादा नहीं अंतर होता है, बस इतना ही होता है कि किसी में मतलब यहाँ पर जैसे एक स्टोन वाले प्रॉब्लम में ले लो, तो उसमें फीवर वगैरह हो सकते हैं, मतलब स्वेलिंग वगैरह नहीं देखने को मिल सकती है कभी कभी, तो जैसे यहाँ पर स्वेलिंग वगैरह दे रखा है, ये चीज़ हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने बता रखा है येलो स्किन और नेल येलो हो जाते हैं, इसमें मतलब आपकी जो स्किन होती है येलो हो जाती है, और आपके जो नेल होते हैं यानी नाखून जो होते हैं उनमें भी थोड़ा सा वाइट वाइट देखने को मिलेगा, वहाँ पर ब्लड रेड कलर का नहीं देखने को मिल सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, तो और भी जानते हैं पीलिया के नाम से जानते हैं, जॉइंटिस के नाम से। इसके बाद फैटीग, आप काम कर रहे हैं, ज़रा सा काम किया तो थकान लग जाती है, या फिर थोड़ा सा चल लिया तब भी थकान लग जाती है, तो ऐसे केस में SGOT बढ़कर आ सकता है। स्किन ईचिंग, कभी कभी आपकी स्किन में कोई रैसेस नहीं होते हैं, तब भी स्किन आपकी मतलब ईचिंग करना शुरू कर देती है, खुजली करती है, ऐसे ही एलर्जी टाइप में। इसके बाद 11 बेली, मतलब पेट में सूजन आ जाना, है ना? पेट में सूजन कहीं पर भी हो सकती है, लीवर में भी सूजन हो सकती है, स्प्लीन में भी सूजन हो सकती है, और पैनक्रियाज में यानी जो अग्नाशय होता है, तिल्ली होती है, यहाँ पर सूजन आ सकती है ना? और इसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जैसे ब्रूइसेस का मतलब ये होता है कि जैसे कभी कभी हो जाता है, ड्रामा हो जाता है, आपकी स्किन में ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, फिर IV फ्लूड वगैरह लगता है, सिरिंज लगती है, तो आपकी स्किन वहाँ पर एलर्जी कॉज कर देती है, ऐसे चीज़ें में ये देखने को मिलता है हमें ब्रूइसेस। लाइट कलर्ड फीसेस, आप जब मतलब लैटरिन करने जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो स्टूल होगा यानी लैटरिन होगा, उसका कलर लाइट होगा या फिर थोड़ा सा ज़्यादा उस तरीके का स्मेल वाला होगा। इसके बाद डार्क यूरिन, मतलब डार्क यूरिन का मतलब ये कि उसका कलर ज़्यादा डार्क हो गया, येलो कलर का हो सकता है। इसके बाद स्वेलिंग इन एंकल, आपके जो एंकल होते हैं मतलब एड़ियाँ जो होती हैं पैर के, वहाँ पर सूजन देखने को मिल सकती है,
आपके पैर में जो क्या नाम है कहाँ लेग्स होता है वहाँ पर सूजन मिल सकती है। फिर इसके बाद ब्लड टेस्ट में यह पता कैसे, ये तो हमको पता चल गया कि हमारे लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण आते तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको हो सकता है कुछ टेस्ट ट्रीटमेंट कर दे, जैसे कि आपको LFT टेस्ट कर दे। LFT में मैंने बता ही रखा है बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। इसके बाद इसमें जैसे कि अल्ट्रासाउंड भी लिख सकते हैं डॉक्टर साहब, है ना। इसके बाद इसमें जैसे ब्लड देना है तो कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि हम ब्लड सैंपल जो कराएं खाना खाने के बाद कराएं कि खाली पेट कराएं, तो ये कभी भी करा सकते हैं, रैंडमली करा सकते हैं। मैं यही बोलूँगा कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं किसी चीज़ की, जैसे डायबिटीज़ की है, थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं या फिर BP की मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसी मेडिसिन वगैरह को अवॉइड करें। जिस दिन आपको टेस्ट कराना हो उस दिन आप पहले टेस्ट करा लें, इसके बाद फिर दो मेडिसिन ले लें। ओके, तो ये होता है और इसमें कोई खास प्रिकॉशन नहीं लिया जाता है, तो आगे देखते हैं कहाँ पर ये रिस्की हो सकता है। ओके, नौकरी मिलेगी तब क्या होगा, एक बीवी होगी, रोना करे सॉरी। चलो आगे देखते हैं, जैसे लीवर सिरोसिस हो जाता है, अब इसके मतलब रिस्क फैक्टर देख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारे रिस्क हैं, रिस्क फैक्टर हैं। तो जैसे कि क्या हुआ कि आपको मतलब हुआ क्या कि बीमार पड़ गए, तो उस टाइम में कहाँ पर और ज़्यादा बढ़ करके आ सकता है देखने को मिलता है, इसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है वो उसको देखते हैं ना। तो उसकी वजह से और क्या प्रॉब्लम आती है, एक तो लीवर सिरोसिस हो जाना, यानी एक तरीके से स्कैरिंग, लीवर मतलब डैमेज होना ना, जैसे हमारे कहीं चोट लग जाती है वहाँ पर क्या हो जाती है, जैसे स्किन में चोट लग गई वहाँ पर थोड़ा सा टिश्यू डैमेज हो जाते हैं ना, क्या चोट लगने के जैसे घाव जैसा बन जाता है, उसी तरीके से भी होता है स्कैरिंग, मतलब वही होता है लीवर निक्रोसिस, वही एक तरीके की वही चीज़ है। इसके बाद हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ लेकिन मैं इसका एक वीडियो अलग से बना ही दूँ ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हेपेटाइटिस वायरस है, आपके ABC हैं, लीवर ट्यूमर और कैंसर, ये भी आपने SGPT वाले में देखा है। पैनक्रियाटाइटिस, ये भी आपने लीवर SGPT वाले में देखा है, मैंने कल ही बता रखा है। कंजेस्टिव हार्ट फ्लोर एंड हार्ट अटैक, देखो कंजेस्टिव हार्ट फ्लोर उसमें था SGPT में, यहाँ पर हार्ट अटैक रहेगा केवल, ये क्या रहेगा, ये वाला हार्ट अटैक रहेगा, ये उसमें तो नहीं है, ये वाला अलग है थोड़ा सा। इसके बाद डायबिटीज़, ये भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डेंगू के केस मैंने बताया ही था, अगर डेंगू होता है तो डेंगू दोनों में ही आ सकता है, SGPT भी बढ़ सकता है, SGOT भी बढ़ सकता है ना। इसके बाद बर्न्स, मतलब आप जब कभी पेशेंट जल जाता है तो उस कंडीशन में ये बढ़ जाता है, SGOT का लेवल बढ़ा हुआ रहता है ना। और इसके बाद जो सर्जरी होती है, जैसे आपने कभी सर्जरी करा लिया, किसी भी तरह की सर्जरी, जैसे कोई ऑपरेशन होता है ना, तो वो ही सर्जरी बोला जाता है। इसके बाद मेडिकेशन, अच्छा एक लोग मतलब कुछ लोग होते हैं कि जैसे मेडिकेशन, आपको फीवर आया, सपोज यहाँ पर फीवर आया, आपने क्या किया, पैरासीटामॉल ले लिया, पैरासीटामॉल, ठीक है, ये बहुत आप लोग लेते हैं पैरासीटामॉल। अब ये पैरासीटामॉल ये क्या होता है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा रहता है, जो किडनी की एक क्या होता है, नेफ्रॉन, किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन, उसको डैमेज करता है, और लीवर की जो यूनिट होती है, लीवर के जो सेल होती है हेपेटिक सेल, ठीक है, उसको दोनों को ये डैमेज करता है। अगर एक पैरासीटामॉल आप लेते हैं तो एक पैरासीटामॉल का मतलब है कि आपका एक किडनी की सेल्स डैमेज होगी और एक लीवर की सेल डैमेज होगी। अब क्योंकि गॉड ने इतनी सारी आपके लीवर में सेल बना रखी हैं, किडनी में सेल बना रखी, तो आपको पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी। लेकिन अगर परमानेंट इनको इन्हीं की चीज़ों यही खाते रहें पैरासीटामॉल वगैरह इस तरह की चीज़ें दवाइयाँ, तो पेशेंट जल्दी रेजिस्टेंट कर जाएगा, मर जाएगा बेचारा, वो 3-4 साल के अंदर मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये नेफ्रॉन ही नहीं बचेंगे, ओके, कि और हेपेटिक सेल्स ही नहीं बचेंगे, तो लीवर काम ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो यही हमारा डैमेज होता है जा करके, ठीक है। इसके बाद कुछ कभी कभी TB की जैसे मेडिसिन चल रही होती हैं आपकी, तो TB की मेडिसिन में भी क्या नाम है, ये पड़ करके आ जाता है SGOT। और जैसे कि आपके लेप्रोसी की दवाइयाँ चल रही होती हैं, जैसे कोड कहते हैं, उस तरीके की मेडिसिन चल रही होती है ना, स्किन डिसीज वाली, तो उस केस में भी हमारा SGOT बढ़ करके आ जाता है, SGPT भी इवन बढ़ता है, ठीक है। अब चलो इसका देख लेते हैं, ये तो यार मैंने बता ही दिया है, अब इसमें और क्या रह गया है, भूख वगैरह वो आपकी लगती नहीं है, उस तरह की सारी चीज़ें मैंने सिम्टम्स बता ही रखा है। अब इसमें एक चीज़ और रह जाता है कि जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे होते हैं उनके लिए, मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि वो ब्लड किस में लें, तो उसका देखो ब्लड किस में लेना होता है, तो ब्लड इसका जो है ना प्लेन ट्यूब में लेना होता है, ठीक है। एक तरीके से ये क्या नाम है, SGOT हमारा क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट होता है, किसका, बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट होता है, ठीक।
ठीक है, और ये हमारा जो लगाया जाता है टेस्ट बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही लगाया जाता है। अब मैं अगर बोलूँ कि एक तरीके से एंजाइम हमारा किस में पढ़ाया जाता है, एंजाइम बायोकेमिस्ट्री में। अब अगर किसी का और सवाल है इसमें तो पूछ सकते हैं, इसके सिम्टम्स और क्या नाम है मैंने बता ही दिया, रिस्क कहाँ हो सकता है। जब नौकरी मिलेगी तब क्या होगा। हाँ यार चलो आगे देखो, देखो इसके कारण क्या होते हैं, होने के कारण क्या होते हैं, GOT बढ़ जाने का कारण क्या होता है ना, यही मेन बात है। तो एक तेजी एल्कोहल, कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में पीना शुरू कर देते हैं यार, है ना। तो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि कुछ लोग ज़्यादा पिलाने वाले होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, कहते हैं यार यार पी लेते हैं, फिर वो वाली क्या बोलते हैं, एक से एक ब्रांड नेम आते हैं, जैसे कि BR हो जाती है, बेबो हो जाती है, और माधुरी दीक्षित वाली, और पता नहीं कौन कौन से बना देते हैं दारू वगैरह, मुझे तो मालूम भी नहीं है बेचारियों को। तो उसको बोलते हैं रम है, वोडका है, और भी क्या होते हैं, तुम लोग कमेंट करना यार कौन कौन से दारू के नाम होते हैं, ठीक है। तो देखो अब हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन मैंने अभी पिछले बार बताया ही, हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है ना। हेपेटाइटिस ए वायरस से केवल जॉइंडिस होता है, ना कि क्या नाम, वो परमानेंट नहीं होता है। और इसके बाद कोलेलिथियासिस, कोलेलिथियासिस क्या होता है, एक तरीके से जो हमारा पित्त होता है, GB स्टोन हो जाना, मतलब एक तरीके से GB में क्या होना, स्टोन होना, यही एक कोलेलिथियासिस होता है, मतलब वहाँ पर कोई डैमेजेस वगैरह होना गाल ब्लैडर में, वही होता है। हार्ट अटैक वगैरह सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा तो क्या हो सकता है, या तो भगवान के पास होंगे या तो अस्पताल में होंगे ना। इसके बाद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब होता है भैया, जब आपका अपने आप से कोई बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं, उसे क्या बोला जाता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। जैसे थायराइड वगैरह होती हैं, थायराइड वगैरह क्या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही तो है, रिमेटोइड फैक्टर हो जाना यानी आर्थराइटिस हो जाना, वो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही तो है। इसके बाद पेनक्रियाटिस या फिर स्प्लेनोमेगाली। देखो पेनक्रियाटिस का मतलब होता है आपके पेनक्रियाज में जो अग्नाशय होती है सूजन आ जाना, स्प्लेनोमेगाली का मतलब होता है आपकी जो तिल्ली होती है, स्प्लीन होती है, वहाँ पर सूजन आ जाना, ठीक है, यही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान रखें, सतर्क रहें और अपने खाने पीने पर ध्यान दें। कभी कभी हमारा खाने पीने की जो डाइट होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि जब आप लोग बराबर मात्रा में खा नहीं पी, मतलब अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, तो ये डिसबैलेंस हो जाने की वजह से इस तरीके के कॉजेज बन सकते हैं, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, जिससे आपको हर समय पर जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू।